अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज टीवी। आज की शानदार 5 नोटिफिकेशन धमाकेदार सरकारी मुलाजमीन के हवाले से बड़ी खुशखबरी है, मेरे साथ रहिएगा। पहले बड़े नोटिफिकेशन की तरफ चले तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ग्रांट स्पेशल अलाउंस 2022 के बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेंशनर्स के लिए भी 15% जो इजाफा किया उसके बारे में भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये कौन से मुलाजमीन है जी? लोकल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी मुलाजमीन है, सेमी गवर्नमेंट के अंदर, मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और इसके अलावा जितने भी मुलाजमीन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हैं, तमाम के लिए बड़ी खुशखबरी। उन्होंने कहा कि तमाम के स्केल रिवाइज कर दिए गए। 15% जो पहला दिया जा रहा है और उसके बाद जो दूसरा 15%, पहला 15% जो आपको मिलेगा 2017 की बेसिक पेपर और उस स्केल नंबर 1 से लेकर 19 तक के मुलाजमीन के लिए जो स्पेशल अनाउंस दिया जा रहा है और जो 1 मार्च से दिया जा रहा था और इसके अलावा 1 जुलाई 2022 से दूसरा 15% मिल रहा है और 10% 1/4/2022 से पेंशन मिलेगी और इसके अलावा 15% 1/7/2022 से भी पेंशन आपको मिलेगी। इसके बारे में बकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जी। मुलाजमीन को मुबारक हो, बड़ी खबर। अभी तक जितने भी सरकारी मुलाजमीन पंजाब को, उन सबको मिल चुके, लेकिन जो सेमी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जो कॉरपोरेशन हैं, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबरान हैं, जो टेवटा के हैं, इन तमाम मुलाजमीन के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है और इन तमाम को 15% दे दिया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से फाइनांस डिपार्टमेंट की तरफ से एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस लेटर में माह सितंबर की सैलरी में तमाम कॉन्ट्रैक्ट टीचर और मुलाजमीन के SSB जो लोसेज हैं पे 2022 स्केल के मुताबिक इजाफा कर दिया गया है। अब चूंकि ये इजाफा 1 जुलाई से लागू होना था, लिहाजा तमाम ग्रेड 16 के कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स अपने गुज़िश्ता 2 माह के जो जुलाई और अगस्त के बकाया जात बिल बनवाकर अकाउंट ऑफिस में जमा करवाएं और ये पैसे क्लेम कर सकते हैं। इसके बारे में महकमा फाइनेंस ने एक बड़ी जो है वो जारी कर दी, 30% के बारे में एक बड़ी वजाहत जारी कर दी। मज़ीद डिटेल आप इसमें पढ़ सकते हैं और इसके अलावा स्पेशल अलाउंस 50% प्रोटोकॉल भी इसमें शामिल है। और इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन की तरफ चलें तो जी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नोटिफिकेशन है जो कि एक हुक्मनामा जारी किया गया काउंटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब डिडक्शन ऑफ द पे सैलरी और जिसमें 2 दिन की जो सैलरी है तमाम फेडरल डिपार्टमेंट के अंदर जितने मुलाजमीन आते हैं उनकी 2 दिन की जो सैलरी है वो आपको जमा करवानी होगी। बकायदा नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया। फेडरल डिपार्टमेंट के AG ऑफिस जितने हैं उनको ये लेटर, जैसे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, तमाम को ये जारी कर दिए गए। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन, सेक्शन ऑफिसर पंजाब ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को NSB की पहली किस्त तमाम जिली अथॉरिटी के अकाउंट्स में ट्रांसफर करने की हदायत जारी कर दी। तमाम जितने भी स्कूल्स हैं उनका सारा सिस्टम ही NSB पे चलता है, उनके बिजली के बिल, इसी तरीके से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो ट्रांसफर तमाम रकम कर दी है उनके अकाउंट्स में। इसके अलावा एक और बड़ी खबर जो कि रूल्स के बारे में है, जिसमें कहा गया कि असाज़ा के रूल्स में तब्दीली को हतमी शक्ल दे दी गई। सर्विस रूल्स तरमीम के बाद असाज़ा को तरक्कियों का इस्तेहकाक होगा। बताया गया कि सर्विस रूल 2014 में तरमीम के बाद तमाम मजामीन में मास्टर डिग्री होल्डर असाज़ा को तरक्कियों का इस्तेहकाक मिल जाएगा। इससे कबल BS ऑनर एग्रीकल्चरल कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री होल्डर्स असाज़ा तरक्कियों के मुंतजर हैं। सर्विस रूल्स में 2014 में अब यह तब्दीली लाई जाएगी और इनके जो इनमें होल्डर्स हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, उनको भी फायदा होगा। आज के ये 4-5 बड़े नोटिफिकेशन और खबरें थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।